जय गो माता की नारायण माता गौ सरसरी टीम भाई महेश हिंदू गौ सेवक फरीदाबाद। तो आप देख सकते हो एम्बुलेंस आ चुकी है और दो बच्चे आए हैं इसमें और कंडीशन आपके सामने ही है पूरे तरीके से देख सकते हो। इसका तो बेचारे का लगता है पैर ही भी चलो ख़त्म पड़ा है और दूसरा बेचारा खड़ा शायद खड़ा नहीं हो पा रहा है, इसकी ये कंप्लेंट थी। देख सकते हो ये बच्चा थोड़ा सा शरारत कर रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। इसका जो ये अगला पैर है वो बिल्कुल डैमेज है, देख सकते हो कि देख सकते हो। दूसरा जो बच्चा है इसकी भी सेम कंडीशन है, इसका भी पैर टूटा हुआ है। बहुत बुरी कंडीशन है रोड पे, बहुत ही बुरा हाल है, मतलब कहने के लिए कुछ भी नहीं है भाई। क्या कहे, किस तरह कहे, लोगों को बिल्कुल शर्म ही नहीं है। अगर दूध देंगे तो घर में, वरना तो कोई मतलब ही नहीं है। और अब तो ऐसा भी नहीं कि दूध वाले को घर पर रखते, दूध वाले को छोड़ देते हैं, बस अपना सुबह शाम पकड़ ली दूध काढ़ा और काम ख़त्म। और आप इसको देख सकते हो कितना ज़्यादा घाव है इसके पैर में पीछे, इसने किसी ने कपड़ा बांध दिया है, उस बेचारे का तो पैर ही टूटा हुआ है। देख सकते हो दोनों बेचारे चारे के ऊपर भगे हैं, ना जाने कब के भूखे होंगे। दोनों बच्चों को उतार दिया गया है। देखिए भाई साहब बहुत बुरा हाल है, देख सकते हो। मतलब इसे छोटे छोटे बच्चे को बेचारे को ऐसे छोड़ देते हैं कि बस ये सोचते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को छोड़ देते हैं, सोचते कि भाई इनका क्या ही काम है। पैर टूट जाता है रोड एक्सीडेंट में, कोई बेचारा अपना ऐसे कहीं बेचारे का फट जाता है, देख सकते हो घाव आपको दिख पा रहा होगा, बहुत ज़्यादा घाव है। बच्चों को उतार दिया है, अब एम्बुलेंस अपना जा रही है। जय श्री राम, जय गो माता की नारायणी माता गौ सरसरी टीम भाई महेश हिंदू गौ सेवक फरीदाबाद। दोनों बच्चों का रेस्क्यू कर लिया गया है। केस देख पा रहे, छोटा बच्चा ये कालकाजी के मंदिर के वहाँ से लेके आए इसको, ये वहाँ पे बेचारा पड़ा था, मंदिर के वहाँ पे बच्चे पड़े रहते, वहाँ पर भी बताओ लोग गौर नहीं करते इन बेचारों के लिए, कुछ नहीं करते। और इसको सूरजकुंड रोड से लाया गया है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये कालकाजी से और इसको सूरजकुंड रोड से दोनों को रेस्क्यू किया गया है।